इंदौर के स्कीम नंबर 78 के लोगों में इन दिनों दहशत का माहौल है, और दहशत इस कदर है कि लोगों की रातों की नींद उड़ गई है। लोग बताते हैं कि दिन भर काम करते हैं और रात को सड़कों में गश्त करना पड़ता है। क्या बच्चे, क्या बड़े, सभी दहशत के साए में जी रहे हैं। पूरा मामला आपको बता दें कि इंदौर के विजयनगर से लगे हुए स्कीम नंबर 78 में इन दिनों एक सिरफिरे की वजह से दहशत का माहौल है। यह सिरफिरा बीते एक हफ्ते से स्कीम नंबर 78 के कई घरों में घुस चुका है। यह सिरफिरा न केवल घरों में घुसता है बल्कि विशेष तौर पर महिलाओं को अपना निशाना बनाता है, महिलाओं के साथ गंदी हरकतें करता है और खतरा महसूस होने पर भाग जाता है। स्थानीय लोगों ने न्यूज 18 से बातचीत में बताया कि एक हफ्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है, पूरा दिन काम में व्यस्त रहते हैं, इसके बावजूद रात को आराम नहीं कर पाते। यह सिरफिरा स्कीम नंबर 78 के कई घरों में घुस चुका है और घरों में घुसकर महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें भी कर चुका है। लोगों का कहना है कि शनिवार रात को पुलिस और पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन अभी तक इस सिरफिरे व्यक्ति के ना पकड़े जाने से हम कई दिनों से डर के माहौल में जी रहे हैं। स्कीम नंबर 78 की स्थानीय निवासी मीरा ने बताया कि दहशत का माहौल इस कदर है कि बच्चे घरों से निकलने में डर रहे हैं, पास में मंदिर जाना होता है तो भी डर लगता है। स्कीम नंबर 78 के ही निवासी सुरेंद्र सिंह राणावत ने कहा कि महिलाओं और बच्चों में डर का माहौल है, वहीं बार बार इस प्रकार की घटनाओं से हम मोहल्ले वाले आक्रोशित भी हैं। प्रशासन इस सिरफिरे को जल्द पकड़े, नहीं तो हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। स्कीम नंबर 78 के निवासी आशीष रोहिला ने बताया कि बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि यह सिरफिरा छत और दीवार फाँद कर घरों में घुस जाता है और महिलाओं के साथ जबरन अश्लील हरकतें करता है। बहरहाल सभी मोहल्लेवासी रात को 11 बजे से सुबह होने तक नाइट गश्त करते हैं। पुलिस भी लगातार इस आरोपी की तलाश कर रही है। यहाँ की महिलाएं काफ़ी दहशत में है और यहाँ के जो आदमी है काफ़ी आक्रोश में है। अगर किसी के जनता के अगर हाथ में आ गया तो जनता उसको जिंदा नहीं छोड़ेगी, और पुलिस का कहना है कि भैया हमको पकड़ के सीधे हमारे हाथ में। क्या चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए ना, जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि यहाँ की महिलाएं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है, काफ़ी डर के साए में रह रही है और यहाँ के आदमी भी काफी आक्रोश में हैं। और कहीं ना कहीं पुलिस के साथ साथ लोग भी रात्रि गश्त कर रहे हैं, ऐसे भी चीज़ है। रात को कम से कम 3,000 लड़के उन जग रहे थे पूरे मोहल्ले के अंदर, हाँ, गली गलियों के अंदर घूम के उसको ढूंढ रहे थे। यहाँ की खबर मिल रही थी वहाँ दौड़ लगा ला के जा रहे थे। और साइको है वो पूरा, पर चोरियां नहीं करता है, गलत हरकतें करता है वो महिलाओं के साथ। महिलाओं के साथ पर क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है, बच्चे मंदिर जाने से डरते हैं, गली में निकलने से डर रहेंगे। प्रशासन से यही चाहते हैं कि उसको पकड़े, इतना टाइम हो गया, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, एक बार शुभ नाम बताइएगा। ठीक है, इसी मोहल्ले के निवासी है। ठीक है, सभी इसी मोहल्ले के निवासी है। ठीक है, शुभ नाम बताइएगा। अभी ठाकुर सुरेंद्र सिंह राणावत। ठीक है, आशीष रोहिला इसी मोहल्ले के निवासी। ठीक है, पब्लिक ज्यादा गश्त कर रही है, हाँ, पुलिस तो फिर भी आ रही है, बाकी के पब्लिक जरूरत से ज्यादा गश्त कर रही है, पब्लिक ही गश्त कर रही है, सारी जनता कर रही है, अपनी रक्षा स्वयं कर रही है। और रात को बहुत सारे पुलिस वाले आए थे। ठीक है, मेरा पुलिस भी आए थे, बड़े अधिकारी उनके आए थे।